ऐसा लग रहा है फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। अंदर जा रहे हैं, कपड़े उतार के आ रहे हैं, फिर पहन रहे हैं। Hey guys, welcome back to another vlog of Life of Math, and this will be very short vlog. I'm gonna shoot. Basically, right now I'm in India. As you all know, I stuck. Not me, like we all is stuck in India. Stuck in India due to this COVID, and the Canada direct flight is suspended. But anyway, I got my passport stamp, and I'm gonna leave this India soon. So today is the day we are going to take the vaccine shot. मीन्स 30 साल हो गए, 30 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ। ये पीछे वाले घर में जो नीचे जो दिखा जहाँ पर AC लगा हुआ है, मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। सो इट्स बीन 30 ईयर्स एंड वी आर स्टिल लिविंग ओवर हियर एंड स्टिल वी हैव टू लिव फॉर अनदर 7 ईयर्स एज माई डैड इज़ गोइंग टू रिटायर एट द एज ऑफ 60। सो एनी वे, लेट्स ओपन दिस गैराज। हम जा रहे हैं मीनू का वैक्सीन लगवाने। मेरा वैक्सीन कल लग चुका है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल दी जाए कि हाउ यू कैन गेट द वैक्सीन इफ़ यू आर इन इंडिया एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड। सो स्टे ट्यून्ड। सो क्या है कि वक्त के साथ गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई और गाड़ियों के लिए जगह कम हो गई, तो पापा ने गैरेज बनवाया था। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मैंने 2016 में जब मैं आया था, तो 2016 में वी बॉट दिस कार सियाज, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। पापा की प्यारी सी स्कूटर, जो कि पापा ने बहुत सालों पहले ली थी जब उर्वशी हुई थी। छोटे भाई की स्कूटी, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा हो, हाँ उर्वशी की स्कूटी। और वो है मेरी एवेंजर बाइक जो मैंने ली थी 2012 में, मतलब आज से 9 साल पहले। सो हम जा रहे हैं बाइक से, सो लेट गेट दिस आउट। एक गाड़ी को निकालने के लिए दूसरी गाड़ी निकालनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे मेरे भाई की स्कूटी, जो कि भाई ने ली थी जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था। अब टाइम है अपनी एवेंजर को निकालने का। तो क्या है कि सिंगल पर्सन जब शूट करता है तो उसके साथ एक ही दिक्कत आती है कि उसे कैमरे को बार बार इधर से उधर उसे ही करना पड़ता है। बट जब दो लोग हों तो दूसरा बंदा यू नो फ्रीली ही कैन मूव द कैमरा। बट लेट्स टेक आउट द अनदर व्हीकल द एवेंजर। Here is a recent plan in change. Actually, हम बाइक से जाने वाले थे, बट हुआ क्या, बारिश होने लगी। So now we are going by our car and यार जब है तो बारिश में भीगने का कोई सेंस नहीं बनता, especially इस टाइम पे। So हम कार से जा रहे हैं and let me show you about the COVID vaccination and I will give you the brief detail how you're going to get the COVID vaccine within 45 to 84 days if you're traveling outside of India.
जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने बाइक निकाली, स्कूटी निकाली एंड देन आफ्टर दैट मैंने कार भी निकाल ली क्योंकि बारिश हो रही। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मुझे फर्स्ट डोज लगा था 8th of July को एंड सेकेंड डोज लगा कल के एक दिन पहले, एग्जैक्टली इन 45 डेज। और वो एक फॉर्चुनेट थिंग थी कि हम वहाँ गए। सबसे पहली चीज़, जो भी इंडिया में है जिनको भी सेकेंड डोज लगवाना है, कोविनशील्ड हो गया या फिर कोवैक्सीन हो गया, ये सारी वैक्सीन आफ्टर 84 डेज ही लग रही है, उसके 84 डेज के पहले नहीं लग रही गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बट जिनको बाहर जाना है स्टडी के लिए, जॉब के लिए या फिर विजिट के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, अगर आपको बाहर जाना है इंडिया से, क्योंकि हम इंडिया में हैं इसलिए मैं इंडिया की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अगर आपको बाहर जाना है तो आपको फर्स्ट डोज के बाद आप आफ्टर 28 डेज, क्योंकि डॉक्टर भी ये कहते हैं कि 28 डेज के बाद जो वैक्सीन का असर होता है वो शुरू हो जाता है, तो आप 28 डेज के बाद कभी भी लगा सकते हैं। और ये बस मैं रेंडमली चेक कर रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि आप 28 डेज के बाद लगा सकते हैं। रीज़न पूछा क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके तो डेज कंप्लीट नहीं हुए, 84 डेज आपके कंप्लीट नहीं हुए, तो सेकंड डोज इतनी जल्दी तो नहीं लगेगा। तो हमने उन्हें रीज़न बताया कि क्यों हम जल्दी लगवाना चाहते हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि हमें ट्रैवल करना है। तो फर्स्टली उन्होंने कहा कि आपको CMO से परमिशन लेनी पड़ेगी, देन कलेक्टेड से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फर्स्टली हम लोग गए क्योंकि डॉक्टर जो है वो कलेक्टेड में भी बैठते हैं, तो सबसे पहले हम कलेक्टेड ऑफिस गए। वहाँ गए तो डॉक्टर, उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर ने हमें बताया कि वो डॉक्टर अभी कलेक्टेड गए। देन हम कलेक्टेड गए तो उन्होंने बोला कि वो अभी जस्ट हॉस्पिटल निकले। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, परमिशन लेने की बात है, क्योंकि मुझे और मीनू हम दोनों को लगाना था। तो मैं घर गया एंड आफ्टर लंच टाइम हम वापस आए यहाँ पे, मैं और मीनू हम दोनों आए। और वही है, डॉक्टर के फिर चक्कर लगाने पड़े क्योंकि जैसे ही मैंने जाके पूछा, हम लोग वहाँ गए वैक्सीन लगवाने, तो उन्होंने कहा कि आप अप्रूवल लेके आइए। तो अप्रूवल लेने के लिए वैक्सीन सेंटर में डॉक्टर बैठता है, तो उसके पास गए अप्रूवल लेने के लिए। मालूम चला कि वहाँ का जो मेन हेड है जिसको साइन करना है, डॉक्टर राहुल, वो चले गया था कलेक्ट्रेट ऑफिस। तो उन्होंने कहा कि आप कलेक्ट्रेट ऑफिस ही जाकर आप साइन ले लीजिए। हम कलेक्ट्रेट ऑफिस गए। कलेक्ट्रेट ऑफिस जाने के बाद हुआ क्या, वहाँ पे मालूम चला कि कुछ देर पहले ही डॉक्टर राहुल फिर पहुँच के कहा वैक्सीन सेंटर। सो वी केम बैक टू अगेन वैक्सीन सेंटर। हम वैक्सीन सेंटर आए, वहाँ पर जैसे ही पहुँचे वहाँ पर फिर से कहा उन्होंने, जो वैक्सीन सेंटर में बाकी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि अभी 2 मिनट पहले ही सर वो फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस गए। तो मैंने बोला कि आप एक बार कॉल करके पूछ लो कि हैं कहाँ, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे। तो ये बात हुई और फिर उसके बाद उनसे बात हो गई डॉक्टर राहुल से, और फिर हम गए कलेक्ट्रेट ऑफिस एंड उन्होंने पासपोर्ट और वीज़ा देखा, मेरा और मीनू का, हम दोनों का। हालांकि मेरा पासपोर्ट नहीं आया था, बट यहाँ पर यूजली गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं जब आप गवर्नमेंट की बात करते हो। प्राइवेट में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पर सब जानते हैं। तो उन्होंने वीज़ा पासपोर्ट देखा, उन्होंने पूछा कि कहाँ जाना है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। आफ्टर 2 मिनट टॉक हमें वैक्सीन के लिए अप्रूवल मिल गई। ये वैक्सीन सेंटर यहाँ का, और ये जो है जिला वैक्सीन स्टोर जो आगे दिख रहा है आपको, यहाँ से हमको परमिशन लेनी थी तो हम यहाँ आ गए थे। तो यहाँ से हमको मिल गई थी अप्रूवल और यहाँ पर हम आए। तो डॉक्टर राहुल ने कॉल करके बोला कि आप स्लॉट बुक कर लीजिए, 2 लोगों का, वो आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने। तो हम यहाँ आए, 2 वैक्सीन के स्लॉट थे, बट इमरजेंसी केस था, एक लड़की को अर्जेंटली नेक्स्ट डे ही बाहर जाना था। और मुझे ऐसा नहीं कि मुझे नेक्स्ट डे जाना था, क्योंकि वैक्सीन लगाने के आप तुरंत बाद बाहर नहीं जा सकते, आपको कम से कम 15 से 20 दिन आपको रेस्ट करना जरूरी है या फिर आप ट्रैवल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मुझे वैक्सीन लग गई थी उस दिन और उस लड़की को लगी, बट मीनू को नहीं लगा एंड मीनू के 45 डेज भी कंप्लीट नहीं हुए थे। सो हमने बोला कि यार चलता है, 1-2 दिन का डिफरेंस। तो उन्होंने कहा था कि सैटरडे को आना है मीनू को वैक्सीन लगाने। तो हम पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर एंड ये स्टेट गवर्नमेंट का पूरा बनाया हुआ यहाँ पर हॉस्पिटल है जहाँ पर वैक्सीन लगता है, टीकाकरण होता है और जो भी सारी चीज़ होती है। कोविड केयर सेंटर भी यहीं बना हुआ है।
और उसी टाइम बना था जिस टाइम पे ये कोविड का कुछ ज्यादा ही प्रभाव था यहाँ पे। करवा दिया है, ये मैसेज भी मुझे रिसीव हो गया। ये मैसेज जाकर मुझे वो डॉक्टर को दिखाना है, मीन्स वो नर्स को दिखाना है जो वैक्सीनेशन करने वाली है, देन वी कैन गेट माय शॉट। जो 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 इधर इधर आई गॉट माय शॉट, आई गॉट माय वैक्सीन, इसे शॉट भी लग गया और वैक्सीन भी लग गया। So, ये थोड़ा सा फ़ायदा है कि जब आप वैक्सीन लगवाते हैं मतलब स्पेशल परमिशन पे, तो आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। लोगों ने बड़ी लंबी लाइन लगा के रखी है, बट फिर भी यहाँ पर वो हालात नहीं हैं जो बालाघाट में थे। सो अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट गेट द यू नो चांस टू मेक हर वीडियो व्हाइल टेकिंग वैक्सीन। मुझे भरने देना, जैसे चिरी करती है मुरी 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 मुरी, नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा, बट दैट्स फाइन। सो यही प्रोसेस था एंड वैक्सीन लग चुका है एंड इस व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि जिनको बाहर जाना है उनको क्या प्रोसेस है, कैसे वैक्सीन लगवाना है। बट स्टिल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट द कॉमेंट एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लाई यू बैक, नॉट इंस्टेंटली बट विद इन आवर, विद इन अ डे, सो Within a month। और बस बाकी की दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का सबसे पहला काम यही था जिसे हमें ख़त्म करना था। एंड जैसा कि आप लोगों को मैंने पुराने व्लॉग में बताया कि आफ्टर 3 month, 3 महीने के बाद हम कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। सारे व्लॉग्स शूट करके रखे हुए हैं बट कभी चांस नहीं मिला, क्योंकि यार इंटरनेट कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया में, क्योंकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं उसको कम से कम 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB डेटा लगता है, क्योंकि हाई क्वालिटी में अपलोड होता है और जो मोबाइल का डेटा होता है इतना सफिशिएंट नहीं होता। बट नो वरीज, वी हैव वाईफाई एट होम एंड देयर वुड बी नो एनी फर्दर प्रॉब्लम टू अपलोड एनी वीडियो। सो कीप वॉचिंग। जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर।